जिले के कोसिर थाने में नए कानून की जानकारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पर भारतीय कानूनों के धाराओं में हुए बदलाव की जानकारी थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी द्वारा लोगों को दी गई। बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कानून व्यवस्था में बदलाव करते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अब भारत में 1 जुलाई से नए कानून और नई धाराओं का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है, जहाँ सभी थानों के रिकॉर्ड अब डिजिटल होंगे। साथ ही महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए अपराधों में कमी लाने के लिए कठोर कानून प्रावधान लागू हुए हैं। वहीं और भी विभिन्न कानूनों और धाराओं में बदलाव की जानकारी दी गई है। वहीं गांव क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए प्रभारी ने उपस्थित सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। न्यूज 21 सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ब्यूरो चीफ श्याम पटेल की रिपोर्ट। ये आज का जो कार्यक्रम था भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आज 1 जुलाई से क्रियान्वयन में आया है, जो हमारे CCTNS में भी आज के बाद पूरी नई धाराओं का समावेश रहेगा, तो उसके संबंध में कार्यशाला का आयोजन था, जिसमें हमारे ग्राम सरपंच महोदय लोग को, स्कूल के टीचर्स लोग को, महिलाओं को, सबको इसमें आमंत्रित किया गया था। जो आए हुए थे उन्हें नए कानून के संबंध में जानकारियाँ दी गई, उनके अधिकारों के संबंध में बताया गया। सर, नए कानून में सर क्या क्या बदलाव हुए हैं? इसमें ज़्यादा कुछ धाराओं के संबंध में कुछ धाराएं चेंज हुई हैं। धाराएं जैसे सीरियल नंबर जिनके थे वो चेंज हुए हैं, तो उनके संबंध में बताया गया है कि इन इन धाराओं को चेंज किया गया है। जैसे कुछ धाराएं 302 वो 103 में हो गई है, 304 भी दहेज मृत्यु वाली जो धाराएं थी वो धारा 80 में हो गई हैं, चोरी जो संबंधित धारा थी, चोरी की सजा जो था वो 303 में हो गया है, इसी के संबंध में था। तो ग्रामीणों को बताया गया, सरपंच महोदय को बताया गया, ताकि वो अपने गांव पे जाके मुनादी करके पोटवार के माध्यम से ये बात लोगों तक बता सकें, अपने ग्रामीणों ग्रामीण लोगों को भी सूचित कर सकें, इसी के संबंध में आज कार्यशाला।